डायरिया के कहर से कोहराम, बीमारी से आफत में जान, कोरोना के बाद नई आफत की दस्तक। कोरोना संकट के बाद अब डायरिया का कहर डरा रहा है। कैमूर जिले के दुर्गावती में एक साथ 30 लोग इस महामारी की चपेट में आ गए। सरियाव गांव में एक साथ इतने लोगों के बीमार पड़ने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। इससे पहले यहां 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। गांव में उल्टी दस्त से एक एक कर लोग बीमार हो रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार मौके पर कैंप कर रही है। पीएचसी से स्वास्थ्य विभाग की टीम एम्बुलेंस से चिकित्सकों के साथ दवा पानी लेकर गांव पहुंची है। 3 शिफ्टों में चिकित्सकों की टीम निगरानी कर रही है। के कारण हमारे गांव में डायरिया इतना देख 40% डायरिया है। अभी लोग हम लोग 4 दिन से लगे हुए हैं और 4 दिन से लग कर सभी लोगों के इलाज के लिए हम स्वास्थ्य केंद्र दुर्गावती फोन किए, माझी जी को फोन किए, प्रभारी को फोन किए। आज नहीं साम्राज्य के बाद जिला से टीम आई है और जिला से आई टीम और जिला से एम्बुलेंस मंगा कर फिर यहाँ जो है कि बेहतरीन इलाज के लिए मोहनिया फिर भेजा गया है। यहाँ उपस्थित जगह उतना उपलब्ध नहीं हुए, 12 आदमी को आज यहाँ से रेफर किया गया मोहनिया। डायरिया से बीमार लोगों का पीएचसी तथा अनुमंडलीय अस्पताल मोहनिया में इलाज किया जा रहा है। वहीं डायरिया के वजह को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि 7 निश्चय योजना के तहत लगाए गए नलजल का जो मेन सप्लाई पाइप है उसको गली से निकाला गया है। उधर जगह जगह पर पाइप फट जाने के कारण गंदा पानी सप्लाई पाइप में प्रवेश कर रहा है, जिसके कारण लोग डायरिया से ग्रसित हो जा रहे हैं। पहले हमारा गाँव सुरक्षित रहा, सुरक्षित अभी अब तक रहल है। 2-4 महीना पहले से जो नल जल लगा है उसका पाइप फट गया था। कितने दिन से फटा था पाइप? हो गल 3-4 महीना। 3-4 महीना से फटा? हाँ। अच्छा। और कोई बेरी बनल आ कोई बेरी वो बंद नहीं भल, चलुए रहल। ओकरे बाद अब कैसे गांव में महामारी आई, आज 5-7 रोज से धीरे 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 ये बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? पानी दूषित हो रहा है आ कि वायुमंडल दूषित हो रहा है, ये हमन के समझ में नहीं खाया हो रहा। वहीं इस संबंध में सिविल सर्जन मीना कुमारी ने बताया कि बीमारी के संदिग्धों की निगरानी की जा रही है, स्वास्थ्य महकमे की इस पर नजर है। स्वास्थ्य विभाग की टीम हमारी 3 शिफ्ट में कैंप कर रही है, 24/7 यहाँ पर कैंप कर रही है। एक एम्बुलेंस हमारा अभी आ रहा है जो कि यहीं पे रहेगा। अगर मान लीजिए कोई भी पेशेंट फिर अभी गांव से आ रहे हैं, अगर उसकी स्थिति बिगड़ेगी तो तुरंत हम लोग मोहनिया एम्बुलेंस के द्वारा वहाँ भेज देंगे। साफ है, बचाव ही बीमारी से निजात का जरिया है और लोगों को इससे बचने के लिए सही कदम उठाना चाहिए। अजीत कुमार, कैमूर।